जिस मूवी का इंतजार था इतने टाइम से, मतलब जब से इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था, बट इस पर सारी उम्मीदों ने पानी फेर दिया। मतलब यार खैर खैर बात करेंगे इसके बारे में। तो आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे रेड नोटिस मूवी के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। तकरीबन इसकी लेंथ 2 घंटे के आसपास है और इस मूवी में 3 मेन बड़े बड़े कलाकार हमें देखने को मिलेंगे, द रॉक, रियान रेनॉल्ड यानी डेडपुल भैया, और मोस्ट ब्यूटीफुल वंडर वुमन यानी गल गैडोट। और इस मूवी की पब्लिसिटी काफी ज्यादा की गई थी, मतलब इसके ऊपर सॉन्ग आया था, स्पेशली अलग से वीडियो बना बना के डाली गई थी कि हाँ भाई हम आ रहे हैं 12 नवंबर को, हमें भी देख लेना। तो मतलब जिस तरीके का हाइप क्रिएट किया गया था, मतलब वो उम्मीदें यार इन्होंने मतलब ऐसे थोड़ी है। ठीक है अभी कर रहा हूँ, पहले इस मूवी की स्टोरी की बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा तो ऑब्वियसली ट्रेलर तो देखा ही होगा, तो ट्रेलर देखा है तो इसकी कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी। नहीं पता है तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को मतलब बता देता हूँ, ताकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी बन जाए, थोड़ा बहुत पैसा पूसा हम छाप लें यहाँ पे। तो गल गैडोट एक सबसे बड़ी थीफ है, सबसे बड़ी मतलब कि उसका रैंक नंबर 1 है। मतलब ये रैंक कौन डिसाइड करता है यार, पहले भी पूछा था, ये रैंक कौन डिसाइड करता है? यूएन डिसाइड करता है कि ये रैंक नंबर 1 पे आएगी। और फिर सेकंड नंबर पे आते हैं रियान रेनॉल्ड, जो सेकंड नंबर मतलब रैंक 2 पे उनका वही बात होगी, मतलब जो दूसरे नंबर के जो 8 चोर हैं। फिर इनको पकड़ने के लिए एक FBI एजेंट है जो द रॉक प्ले कर रहे हैं इस मूवी में। अब द रॉक जाके कहते हैं रियान रेनॉल्ड यानी नंबर 2 को, रैंक नंबर 2 को, देखो भैया अगर तुम्हें फर्स्ट नंबर पे आना है तो पहले नंबर वाले को पकड़वा दो। मतलब वही होता है ना कि अपनी लाइन बड़ी ना कर सको तो क्या मतलब जो भी है। तो ये वाली स्टोरी इस मूवी के अंदर चलाई जाती है। हमें इसके अंदर जो देखने को मिलता है वो तो देखो यार मैं इतना नहीं बता सकता, जब आप ये मूवी देखोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। कुछ एक ट्विस्ट इस मूवी के अंदर आते हैं, मतलब डायलॉग इस मूवी में कुछ रह रहकर अच्छे हैं, जिन पर हंसी आती है। और 3 बड़े कलाकारों को यार एक साथ काम करते हुए कौन नहीं देखना चाहेगा, हर कोई देखना चाहेगा, उसमें से मैं भी था। मैंने भी ये मूवी मतलब उन 3 बड़े कलाकारों को देखने के लिए ही देखी है। वैसे मुझे स्टोरी से मतलब जैसी इस मूवी के अंदर स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी खास नहीं लगी, लेकिन ठीक है, मतलब ठीक ठाक है। अब देखो यार कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करें, दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूं कि यार मूवी की जो स्टोरी है, मैंने अभी जैसे कहा ठीक ठाक है, जितनी उम्मीदें इससे लगाई थी सारी की सारी मतलब धरी की धरी रह गई, चकनाचूर हो गई। इतनी ज्यादा मेरे को इसका इंतजार था, ट्रेलर जब से देखा था यार इसमें 3 बड़े कलाकार देखने को मिलेंगे, ऑब्वियसली यार वो तो देखो हर किसी को ही देखने थे, लेकिन मतलब जैसे क्रिएट की गई थी हाइप, इसकी वीडियोस आ रही थी, अलग से इसके सॉन्ग आ रहे थे, तो मुझे लगा कि यार मतलब इंडिया में भी जिस तरीके से इसको प्रमोट किया गया है वो बहुत ही अच्छी जाएगी, अच्छा खासा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो मतलब इतना हाइप क्रिएट कर रहे हो तो यार बढ़िया से इसमें कंटेंट लिखा हुआ है, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। पूरी मूवी के अंदर ट्विस्ट ऐसा है ही नहीं कि जहां हमें देख के लगे ये तो क्या, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक ट्विस्ट आता है, उसका तो मैं नहीं बताने वाला वो ट्विस्ट क्या है, क्या अगर वो आप दिमाग लगाओगे कि मैंने तो ना दिमाग तो नहीं, मैंने गैस कर लिया था कि यार हाँ ये वाला, सच्ची मेरा एक तुक्का था वहां पे कि हाँ ये तो हो सकता है, और सच में वो निकलता भी है। अब शायद यही पूछोगे कि यार इस मूवी में मेन कमी क्या है, मेन कमी तो यार इस मूवी की स्टोरी ही है जो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पाती है। इसके अंदर जितने भी जैसे टास्क जो मिशन जो कर रहे हैं काम करते हुए जो दिखाए जाते हैं, जो चोरी इसमें दिखाई जाती है, वो यार इतनी इजी उनके सामने रखी गई है, कोई लगता ही नहीं कि उन्होंने मेहनत की है, मतलब वो इतना क्या ज्यादा ना बोल जाऊं यार मैं, एवरेज से भी नीचे मुझे ये मूवी लगी। डायलॉग इतने खास नहीं लगे, मतलब ठीक है, रही सही कसर इन डायलॉग की भाई जो हिंदी डबिंग कर रखी है ना उन्होंने, मतलब कर दिया पूरी, इतना गुड़ गोबर करा है इन्होंने, जो बॉलीवुड का रेफरेंस दे के मारा है, सच में कहीं पर भी नहीं है। सब टाइटल लोन कर लेना ताकि आप लोगों को वो बोलते हुए डबिंग में भी सुने कि हिंदी में क्या बोल रहे हो, नीचे सब टाइटल पढ़ लेना, मैंने तो करे थे ना, मुझे तो पता चल रहे थे सब टाइटल में क्या आ रहा है नीचे, मतलब मिल ही नहीं रहे थे यार, क्या कर रहे हो यार, पहले जब डबिंग की है तो बाद में सुनना भी चाहिए ना कि हमने क्या बना के रख दिया, जनता इस पे हंसेगी या जनता खुद मतलब जिन्होंने ये डबिंग की उन पर हंसेगी। और मूवी में देखो यार स्टोरी की वजह से इसमें रोमांच नहीं बन पाता है, इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं बन पाता। देखो ठीक है एक लय चलती है, एवरेज से तो नीचे कह सकता हूं यार, लेकिन इतनी नीचे भी नहीं कहेंगे कि कहोगी यार तुमने तो बुराई कर दी, अब नेटफ्लिक्स वाले देख लेंगे यार, देखो भैया ये बकबक ज्यादा कर रहा है, मारो इसकी वीडियो को, थोड़ा बहुत को समझाओ यहाँ पे, तो मतलब वो देख यार नेटफ्लिक्स वालों यार ऐसा मत कर देना, 40-45 लेके व्यूज आते हैं यार, उस पे भी यार थोड़े बहुत 1-2 रुपए ठन्नी बन जाता है, वो छाप लेने दो यार। कॉमेडी इसके अंदर ठीक ठाक है, एक्शन की बात करूं तो
एक्शन तो देखो यार मुझे याद ही नहीं है एक्शन क्या थे, मतलब सोच रहे हो मतलब एक्शन में भूल गया, तो सोच लो एक्शन कैसे होने वाले फिर ये मेरे, मतलब क्या करवाएंगे यार। बट इतना भी नहीं है कि यार ये मूवी वन टाइम ही कंसिडर ना कर सको, वन टाइम आप इस मूवी को देख सकते हो ठीक है यार। आप लोगों को इन तीनों की एक साथ काम करते हुए देखने को मिलेगा, जो रयान रेनोल्ड सर हैं उन्होंने जैसे काम किया है, जो डायलॉग उन्होंने उन्होंने बोले हैं, जिस तरीके की उनके बिहेवियर रहा है, वो आप लोगों को सच में वो बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। और सच में मुझे तो वही करेक्टर, मतलब जो ये रैंक टू का जो चोर है, वही मुझे काफी पसंद आया है, उसी ने इंटरेस्ट क्रिएट करके रखा है। एक्शन के मामले में तो मतलब इतना मुझे खास पसंद नहीं आई, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो एक्शन याद नहीं है, क्या हुए थे तो इतने एक्शन थे कि जो याद ही ना रहे, तो सोच लो। मेरी तरफ से तो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 5 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को मूवी कैसी लगी, और नहीं देखी है तो मैंने कहा कि यार वन टाइम कंसिडर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा उम्मीदें मत लगा लेना कि यार इसमें इतना ट्विस्ट, इतने सस्पेंस, इतना बढ़िया भयंकर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, नहीं वैसा नहीं मिलने वाला। जैसे मैंने इसे उम्मीदें लगा ली थी जब इसका ट्रेलर देखा था, यार हो गया, लगा ली, टूटती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रख लेते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।